आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज हिंदुस्तान की आवाज। मैं आपके साथ साहिल सुल्तान। देश देश और दुनिया की बड़ी खबरें। खबर पीलीभीत से है, जहां बिजली कटौती को लेकर विद्युत विभाग के खिलाफ व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने मोर्चा खोल लिया है। पदाधिकारियों ने विद्युत विभाग की लापरवाही को लेकर अधिशासी अधिकारी का घेराव कर जोरदार नारेबाजी की। कहा, नहीं सुधरी बिजली व्यवस्था तो करेंगे आमरण अनशन। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टीवी न्यूज, हिंदुस्तान की आवाज, पीलीभीत। आज एक व्यापारी संगठन के नेताओं ने यहाँ प्रदर्शन किया, जोरदार नारेबाजी की, ज्ञापन दिया, क्या क्या मामला है? व्यापारी व्यापार मंडल वाले आए थे शहर की सप्लाई को बेहतर करने के बारे में, कुछ समस्याएं लेके आए थे। क्या कहाँ पर किस किस जगह पर दिक्कत है, तो उनको बताया कि वहाँ पर काम करने के लिए कहा गया है, उसके एस्टिमेट्स बन गए हैं, कंपनीज को MD साहब ने अलॉट कर दिया है काम, काम करके जब देंगे तो बेहतर होगी। आप व्यापारी नेताओं की शिकायत थी कि उपभोक्ता शिकायत करने जाते हैं तो उनको कंप्लेंट नंबर नहीं मिलता है, आखिर क्या वजह? कंप्लेंट नंबर के लिए पूर्व में भी SDO और JEE को निर्देशित किया गया था कि कंप्लेंट नंबर दिया करें, देते भी हैं, लेकिन बहुत बार नहीं दिया था, तो उसको मैं दोबारा कहूँगा उनसे कंप्लेंट नंबर दिया क्यों नहीं जाता, आखिर उपभोक्ता जाते हैं तो क्यों नहीं दिया जाता? ये हो सकता है कुछ कमी हो, उसको दोबारा सुधारा दे। आज आपने व्यापार मंडल के साथ पूरे यहाँ पर घेराव किया, एक्शन का क्या कहना है? देखिए, हमारा कहना यह है कि एक तरफ प्रदेश सरकार जो है वो 24 घंटे बिजली देने की बात करती है, दूसरी तरफ हालात ये है कि पीलीभीत में आप देख रहे हैं कि बिजली को लेकर तराई तराई मची हुई है। तराई तराई मचने की सबसे बड़ी वजह क्या है, यहाँ का लोकल प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से फेल है। फेल होने की वजह क्या है, यहाँ के तारों को देखिए, जर्जर तार हो रहे हैं, 10 मिनट के लिए लाइट जो है ये ऑन करते हैं और घंटों के लिए उसको ठीक होने में लग जाता है। हालात ये हैं कि यहाँ के लिए जो है वो गवर्नमेंट ने नए तार चेंज करने के लिए ठेके दे रखे हैं, और जिन कंपनियों को ठेके दिए हैं पिछले 2 साल से वो 2 दिन के लिए काम करते हैं। और आज भी बिजली विभाग के खिलाफ आपने प्रदर्शन दिया है, क्या कहेंगे आप उसके बारे में, किस अनाउंस करा? बिजली विभाग के लिए प्रदर्शन करने को व्यापारी को मजबूर होना पड़ा। लगातार पिछले कई दिनों से टाउन नंबर 1, टाउन नंबर 3 में रहने वाले व्यापारी और उपभोक्ता 24 घंटे में मुश्किल से 10-12 घंटे विद्युत पा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि शहर में जर्जर तारों का जाल बिछा हुआ है, उन जर्जर तारों के स्थान पर जर्जर जब तक AB कंडक्टर नहीं डाला जाएगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। और दूसरी बात, बोर्ड का भी इसमें फायदा है, विभाग का भी फायदा है, जब अगर जर्जर तार हट जाएंगे, जो कंटियाँ डाली जाती है उस पर कंटियाँ डालने पर अंकुश लगेगा, चोरी पर अंकुश लगेगा, और उपभोक्ता को सही सप्लाई मिल सकेगी। हमारी दूसरी डिमांड थी कि शहर के बीच के अंदर पावर हाउस के पास एक 33 उपकेंद्र का निर्माण किया जाए, जिससे जो 11 KV के शहर मुख्यालय मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर जो मिल रही है और उसके बाद में जो लो वोल्टेज की समस्या, आप समझिए AC नहीं चल रहा है तो उनका क्या फायदा। अच्छा, कंप्लेंट की शिकायत आई थी कि उपभोक्ता कंप्लेंट करने जाते हैं तो कंप्लेंट उनकी नोट दी जाती है। हाँ, कंप्लेंट नोट इसलिए नहीं होती कि कंप्लेंट जितनी ज्यादा जाएंगी तो अधिकारियों से ऊपर सवाल पूछे जाएंगे ना, तो वो कंप्लेंट की संख्या हो रही है हजारों में, वो बता रहे हैं कि 10 कंप्लेंट हो रही है, तो फिर उनकी डांट बच रही है, ये कारण है। हाँ बिल्कुल, 100% है, क्योंकि वो ये ऊपर तक संदेश देना नहीं चाहते हैं कि बड़ी संख्या में ये कंप्लेंट हो रही है और जनता परेशान है, और सरकार ऊपर से बिजली दे रही है, इसका मतलब यही है, तो कारण है ये, और बिजली व्यवस्था सुधरिए, यही एक अंतिम उम्मीद है कि सुधरेगी। आज हम लोगों ने प्रयास किया है, धन्यवाद। परिपेक्ष परिणाम स्वरूप वो तार टूट जाते हैं जिसकी भरपाई या समय से विभाग नहीं मेंटेन कर पा रहा है, मतलब तो इसमें पूरा दोष हम निगम को देते हैं। मतलब आपका कहना यह है कि जो भी गड़बड़ियां हैं, प्रदेश सरकार तो भरपूर बिजली दे रही है, जो भी गड़बड़ियां हैं वो निचले स्तर से हैं। निचले स्तर से क्या, जो विभाग है ये अपने आप में एक निगम है और इसके अपने नियम हैं, अपने फंड्स हैं, ये उनको मेंटेन नहीं कर पा रहा है।